वीरेंद्र पहले ही ये तय कर चुका था कि वो इस मैटर में निखिल से हेल्प मांगने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर था कि इस मैटर में निखिल उसकी हेल्प वैसे भी नहीं करने वाला है। वैसे निखिल से हेल्प ना मांगने का एक और कारण भी उसके पास था। वो चाहता था कि जब भी वो निखिल से मिले तो किसी ऐसे मैटर को लेकर मिले जिससे उसकी कंपनी को फायदा हो। वो नहीं चाहता था कि एक फादर इन लॉ के तौर पर जब वो निखिल को कॉन्टैक्ट करे तो पहली ही बातचीत में वो उससे उसकी हेल्प मांगे। वीरेंद्र ने सोच रखा था कि वो निखिल से धीरे धीरे अपने रिश्ते सुधारेगा। इस तरह से जब उसे निखिल की हेल्प की जरूरत सच में पड़ेगी तो उससे हेल्प मांगना उसके लिए आसान हो जाएगा। उसे निखिल की हेल्प सबसे ज्यादा अपनी कंपनी को फिर से स्टेबल करने के लिए चाहिए थी। ऐसे में सोनाली के मैटर को लेकर वो निखिल से हेल्प क्यों मांगता? वीरेंद्र ने तुरंत सौमिता की बात ठुकरा दी। इस घर से जाने के बाद क्या कृतिका ने हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट किया? नहीं ना, वो लड़की हमें अपना परिवार मानती ही नहीं है, फिर वो निखिल को क्यों हमारी मदद करने देगी? अपनी बीमारी से उबरने के बाद वीरेंद्र का ध्यान बस अपनी कंपनी को स्टेबल करने में था, इसलिए वो कृतिका को लेकर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था। अगर उसे पता रहता कि निखिल से शादी करने के बाद भी कृतिका हर रोज अपनी माँ और अपने स्टेप डैड से मिलने के लिए उनके घर जाती है और इस दौरान उसने एक बार भी उससे मिलना जरूरी नहीं समझा, तो पता नहीं वो कृतिका पर कितना ज्यादा गुस्सा होता। सौमिता को वीरेंद्र की बात सुन अजीब सी फीलिंग हुई। उसने वीरेंद्र को ताना मारा, वो तुम ही थे ना जिसने कुछ वक्त पहले ये कहा था कि चाहे कृतिका हमसे कितना भी दूर क्यों न चले जाए, वो कभी हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। वो अभी भी मेरी बेटी है और उससे शादी कर निखिल तुम्हारा सन इन लॉ बन गया है। वीरेंद्र ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे सौमिता की बात सुनाई ही नहीं पड़ी। तब सौमिता वापस सोनाली के बारे में उससे बात करने लगी। उसने बेचैन होते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हम निखिल से नहीं तो कम से कम कृतिका से तो हेल्प मांग ही सकते हैं ना। अगर इस मैटर की वजह से सोनाली की रेपुटेशन खराब होती है तो इसका बुरा असर कृतिका की इमेज पर भी तो पड़ेगा। सौमिता की बात सुन वीरेंद्र ने सोनाली से सवाल किया, क्या अनिकेत ने तुमसे कॉन्टैक्ट किया? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार वो भी तो है। मुझसे ये मत कहना कि इस मैटर पर वो आगे आकर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। हाँ डैड, अनिकेत ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। उसने अपने स्टूडियो के पीआर से इस मैटर पर बात कर मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन भी बताया है, सोनाली ने जवाब दिया। कैसा सलूशन? वीरेंद्र ने शांति से सवाल किया। तब सोनाली ने वीरेंद्र को अनिकेत के आइडिया के बारे में बतलाया। वीरेंद्र को भी लगा कि अनिकेत ने कुछ गलत नहीं कहा है, उसका आइडिया सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुम उसे अभी कॉल करो, इस मैटर को लेकर तुम्हारा अकेले पब्लिक के सामने आना सही नहीं है। अनिकेत की वजह से ही तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऐसे में उसे भी सामने आकर तुम्हें डिफेंड करना होगा। अगर तुम अकेले ये एक्सेप्ट करोगी कि उस ऑडियो क्लिप में सच में तुम हो तो लोगों को यही लगेगा कि तुम्हारे ऑडियो क्लिप के इंटरनेट पर आने में गलती बस तुम्हारी है। ये पहला मौका था शायद जब वीरेंद्र की बात पर सोनाली और सौमिता एक साथ सहमत हुए थे। वे दोनों हैरान भी थे। अनिकेत ने सोनाली को ये क्यों कहा कि सोनाली को अकेले ही लोगों के सामने आकर उनसे माफी मांगनी चाहिए? उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो उसके साथ लोगों के बीच में आएगा? उसे भी तो लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी। एक मिनट रुको, सौमिता ने वीरेंद्र को टोका, क्या हम सच में सोना को ऑनलाइन आकर ये एडमिट करने देने वाले हैं कि उस ऑडियो क्लिप में वो है? फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वीरेंद्र ने कहा। फिर वो सोनाली की तरफ पलटा, तुम्हें अनिकेत के साथ लोगों के सामने आना है
और इस क्लिप को लेकर लोगों से माफी मांगनी है। ऑनलाइन तुम जो भी कहो उसे लेकर ईमानदारी बरतना, नहीं तो लोग तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि तुम जो भी स्टेटमेंट दो उसमें अनिकेत खुलकर तुम्हें सपोर्ट करे। सोनाली भी यही सोच रही थी। अनिकेत ने शुरू में उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो ये भूल ही गई कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार शुरुआत से ही अनिकेत था। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद अनिकेत से बात करता हूं। वीरेंद्र को न जाने क्यों ये लगा कि अगर सोनाली ने अनिकेत से बात की तो वो एक बार फिर से उसे बेवकूफ बना देगा। उसने अपने फोन से तुरंत अनिकेत को कॉल लगाया। वीरेंद्र के कॉल को देखते ही अनिकेत समझ गया कि वीरेंद्र उसे क्यों कॉल कर रहा है। उसने सोनाली को तो अच्छा बेवकूफ बनाया था, लेकिन वो वीरेंद्र जैसे चालाक इंसान को कैसे बेवकूफ बना सकता था। फिलहाल वो सोनाली से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, इसलिए वीरेंद्र के कॉल को वो ना तो रिजेक्ट कर सकता था और ना ही वो उसकी किसी बात को मानने से इनकार कर सकता था। जैसे ही अनिकेत ने वीरेंद्र के कॉल को रिसीव किया, वैसे ही वीरेंद्र उस पर बरस पड़ा। फिर उसने तुरंत अपनी डिमांड अनिकेत को बता दी। अनिकेत बेचैन हो उठा। फिर किसी तरह घबराते हुए उसने कहा, मैं भी ऐसा ही करने की प्लानिंग कर रहा था डैड। उस दिन सोना से बात करने के बाद मैंने इस बारे में काफी कुछ सोचा। मैं इस बात को लेकर गिल्टी भी फील करने लगा कि मेरी वजह से सोना इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई। मैं उसे कॉल करने ही वाला था कि आपने मुझे कॉल कर लिया। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सोना के साथ इस मैटर पर एक जॉइंट स्टेटमेंट इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए तैयार हूं। अनिकेत ने जो कुछ कहा उसे सुन वीरेंद्र खुश हो गया। इसके बाद दोनों ने आपस में बात कर ये तय किया कि सोनाली और अनिकेत कब अपना जॉइंट स्टेटमेंट इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। जल्दी ही अनिकेत और सोनाली ने मिलकर अपना जॉइंट स्टेटमेंट ट्विटर पर अपलोड कर दिया, जिसे कृतिका ने भी ऑनलाइन आकर देखा। उस स्टेटमेंट में अनिकेत ने कहा था कि वो उन दोनों की एक पल की लापरवाही थी। वो सोनाली को अकेले उनकी लापरवाही का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता था। इस इंसिडेंट में सोनाली विक्टिम थी। अगर लोगों को किसी को ब्लेम करना चाहिए था तो उसे, जिसने उनकी इंटिमेसी को रिकॉर्ड करने का गिरा हुआ काम किया और फिर उसी शख्स ने उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर भी अपलोड कर दिया। ये सब कहने के बाद अनिकेत ने सभी से माफी मांगी। सोनाली ने भी एक स्टेटमेंट ट्विटर पर पोस्ट किया। उसने कहा कि भले ही वो तब अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत के साथ थी, लेकिन उसे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। वो ऐसी लड़की नहीं जो किसी अनसेफ प्लेस पर अपने बॉयफ्रेंड के करीब आने की गलती करे। ये गलती उससे पहली और आखिरी बार हुई थी। उसने उम्मीद जताई कि लोग उसे माफ करके इस मैटर को भूल जाएंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, अब सोनाली के साथ शायद ही कुछ अच्छा होने वाला था। जो कुछ सोनाली और अनिकेत ने अपने जॉइंट ट्विटर पोस्ट में कहा, किसी भी इंटरनेट यूजर ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब तुम जानती थी कि वो जगह अनसेफ है तो तुमने वहां वो सब किया ही क्यों? कितने बेशर्म कपल हैं ये दोनों। वैसे अनिकेत तो कृतिका का एक्स बॉयफ्रेंड है ना। एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के प्यार को उससे छीन लिया और एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए धोखा दे दिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन उसे अपने मजे लेने देती थी। ये दोनों ही लोग गिरे हुए और नीच हैं। इन दोनों को तो हमारी सहानुभूति मिलने से रही। सोनाली और अनिकेत के जॉइंट पोस्ट के बाद कृतिका तक को लगा था कि दोनों को लोगों की सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उन दोनों ने कुछ साल पहले उसके साथ जो धोखा किया था उसे लोगों ने अब तक याद कर रखा होगा। इस वजह से जहां दोनों को सहानुभूति मिलनी थी, वहां दोनों को बेशर्म कपल होने का तमगा मिल गया। ये तमगा उन्हें पहले ही मिल चुका था, जिससे छुटकारा दोनों ने ही बड़ी मुश्किल से पाया था, लेकिन अब ये तमगा दोबारा से उनके मत्थे पर आ चुका था। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से जल्दी ही सोनाली को एक फोटोशूट प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, लेकिन ये ऑफर उसे प्लेबॉय मैगजीन की तरफ से आया था।
जहां उसे अपनी न्यूड फोटो शूट करवानी थी। इसके अलावा उसे कॉन्डम के अलग अलग ब्रांड्स के एड शूट के ऑफर आने लगे, जिनके एड में उसे वैसी ही आवाजें निकालनी थी जो वो अनिकेत के साथ इंटीमेट होते हुए निकाल रही थी। सोनाली ने इस सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। वो बुरी तरह से गुस्सा थी और परेशान भी। कृतिका ने इस बार सोनाली का वो हाल किया था कि वो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रह गई थी। वहीं अनिकेत पर इस स्कैंडल का कुछ खास असर नहीं हुआ था। लोग इस स्कैंडल को लेकर अनिकेत को जरा भी दोष नहीं दे रहे थे। मर्दों की इस दुनिया की यही प्रॉब्लम होती है। मर्द कुछ भी गलत कर ले, उन्हें कभी कोई ब्लेम नहीं करता। कोई मर्द किसी लड़की से प्यार के नाम पर उसकी इंटीमेट वीडियो शूट कर इंटरनेट पर डाल दे तो लोग उस वीडियो में मौजूद लड़के को कभी गलत नहीं कहते। उनकी नजर में गलत बस लड़की होती है। लोग ये कहते हैं कि आखिर क्यों लड़की ने लड़के को अपने साथ ऐसा करने दिया। वे ये कभी नहीं कहते कि उस लड़की ने अपना सब कुछ उस लड़के को दे दिया। लेकिन देखो, उस गिरे हुए लड़के ने उस लड़की के साथ कितना बुरा किया। खैर, ये सोसाइटी शायद ऐसी ही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। इसे कोई बदल नहीं सकता। सोनाली पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके ऑडियो क्लिप के इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया के सबसे बुरे एक्टर्स की लिस्ट ट्विटर पर पोस्ट की गई। इस लिस्ट में एक नाम सोनाली का भी था। सबसे बुरे एक्टर्स की लिस्ट एक ऐसी लिस्ट थी जिसके पब्लिश होने के बाद उस लिस्ट में शामिल एक्टर्स को किसी भी तरह के एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते थे। सोनाली के उस इंटीमेट ऑडियो क्लिप की वजह से उसे लेकर जो नेगेटिविटी पहले सिर्फ लोगों के मन में थी वो अब नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने वालों के मन में भी आ गई थी। इस घटना के बाद सोनाली ने अपने कॉलेज से कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली। कृतिका नहीं जानती थी कि सोनाली ने कितने वक्त के लिए कॉलेज से छुट्टी ली है, लेकिन उसे अंदाजा था कि ये छुट्टी एक या दो माह से कम की तो नहीं हो सकती है। लेकिन वो छुट्टी एक माह की हो या दो माह की, सोनाली को उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला था। अगर सोनाली ये सोच रही थी कि उसके इंटीमेट ऑडियो क्लिप से जुड़े इंसिडेंट को लोग एक से दो माह में भूल जाएंगे तो वो गलत थी। ये इंसिडेंट लोगों को लंबे वक्त तक याद रहने वाला था। एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर न्यूयॉर्क में इंडिया आने वाले स्टूडेंट्स को फिलहाल एक महीना बाकी था। कृतिका ने तय किया कि जो एक महीने का वक्त उसे मिला है उसे वो कंपटीशन के लिए अपनी तैयारियों में लगा दे। अच्छी बात ये थी कि अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ अच्छी थी। उसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। संडे के दिन कृतिका निखिल के साथ ओल्ड ओबेरॉय मेंशन निखिल के दादा दादी से मिलने के लिए गई। इत्तेफाक से अमितेश भी सेम डे उर्मिला देवी और शंभेश्वर से मिलने के लिए ओल्ड ओबेरॉय मेंशन आया हुआ था। वो वर्कोहोलिक किस्म का इंसान था, यानी अपने काम के पीछे पागल। उर्मिला देवी से मिलने के लिए वहां आने के बाद और उनसे दो मिनट बात करने के बाद वो वहीं अपने ऑफिस के काम को करने लगा। अपने डिवोर्स के बाद उसने खुद को अपने काम में डुबा दिया था। रमा अमितेश की इस आदत से परेशान थी। जब भी वो उर्मिला देवी से मिलने के लिए उनके पास आती तो वो उनसे यही शिकायत करती थी कि उसके बड़े बेटे को काम के सिवा और कुछ नजर आता ही नहीं है। रमा और जागृति दोनों ही अमितेश के साथ उसके मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। आदित्य और रमा के बीच अभी भी मनमुटाव जारी था। रमा की बातों से कृतिका ने ये महसूस किया कि रमा आदित्य को डिवोर्स तो नहीं देगी, लेकिन वो उसके साथ रहेगी भी नहीं। अमितेश के मेंशन में शिफ्ट होने के बाद जब भी रमा उर्मिला देवी के पास आती तो वो उससे कहती, अमितेश अपने काम में इतना बिजी रहने लगा है
कि उसने अपने ही घर पर आना बंद कर दिया है। जब दृष्टि उसकी जिंदगी में थी तो कम से कम रात के वक्त तो वो घर आ जाता था और हम सब के साथ बैठकर डिनर करता था। डिनर के दौरान ही वो हम सबसे बातें भी करता था। लेकिन दृष्टि से अलग होने के बाद उसने रात के वक्त भी घर पर आना बंद कर दिया है। मेरी उससे जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है वो बस फोन पर ही होती है। ये सब जानने के बाद उर्मिला देवी चिंता में पड़ गई। शुरू में उन्हें बस निखिल की चिंता होती थी। अमितेश उम्र में निखिल से बड़ा था और एक वक्त में वो शादी भी कर चुका था। जागृति उस वक्त काफी यंग था। ऐसे सच कहा जाए तो जागृति अभी भी अपने दोनों भाइयों के मुकाबले काफी यंग था, इसलिए उर्मिला को फिलहाल जागृति की जरा भी चिंता नहीं थी। पास्ट में उर्मिला को किसी की चिंता होती थी तो बस निखिल की। अमितेश की तब तक शादी हो चुकी थी, जल्दी ही वो बाप भी बन गया, ऐसे में उन्हें अमितेश की चिंता क्यों होती। लेकिन उर्मिला देवी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमितेश की शादीशुदा जिंदगी कितनी बुरी रही थी। फिलहाल निखिल कृतिका के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। वे दोनों पेरेंट्स बनने की भी तैयारी करने लगे थे। लेकिन अब अमितेश का क्या, वो निखिल से एक साल बड़ा था, ऊपर से अब वो एक डिवोर्सी भी था और उसका अपना कोई बच्चा भी नहीं था। निखिल की शादी के बाद उर्मिला देवी ने तय किया था कि वो अब 4 या 5 साल सुकून भरी जिंदगी जिएंगी और उसके बाद ही जागृति की चिंता करेंगी। लेकिन उनके सबसे बड़े पोते ने उनकी चिंता फिर से बढ़ा दी थी। मैंने अमितेश के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है, जिस भी लड़की से मैं मिल रही हूँ और अगर वो मुझे सुंदर और दयालु लग रही है तो मैं उसे अमितेश के लिए सिलेक्ट कर ले रही हूँ। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि उन लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा हो। मैंने उनके परिवार से किसी भी तरह के लेन देन की डिमांड भी नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जिन लड़कियों की लिस्ट मैंने तैयार की है वो अमितेश को पसंद आती है या नहीं, उर्मिला देवी ने कहा। जब कृतिका ने उर्मिला देवी की बात सुनी तो उसने धीमी आवाज में निखिल से सवाल किया, क्या दादी माँ तुम्हारे लिए भी ऐसे ही लड़कियां ढूंढा करती थी? नहीं, निखिल ने सटाक से रिप्लाई किया। मुझे सच बताओ, मैं जेलस नहीं हो रही, मैं बस तुमसे बात कर रही हूँ और सच जानने के बाद मैं अकेले में तुमसे लड़ूंगी भी नहीं। ये तो बस एक छोटी सी बात है, मैं तुम पर जरा भी गुस्सा नहीं करूंगी, कृतिका ने कहा। ऐसे वो बस इस बात के इंतजार में थी कि निखिल उससे ये कहे कि हाँ, दादी माँ उसके लिए भी ऐसे ही लड़की ढूंढा करती थी, फिर वो पक्का घर लौटने के बाद निखिल की पिटाई करती। नहीं बाबा, निखिल ने फिर से अपनी पिछली बात पर जोर दिया, दादी माँ मेरे लिए भी इसी तरह से लड़कियां ढूंढना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने उन्हें ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। मैं बस इतना चाहता था कि जिससे भी मेरी शादी हो उससे मेरी मुलाकात मेरी किस्मत तय करे, ना कि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग। इस बारे में सोचने के साथ ही निखिल के पूरे बदन में दर्द की एक लहर दौड़ पड़ी। फिर उसने कृतिका से कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता तो क्या दादी माँ अपनी छड़ी से मेरी पिटाई करती? भले ही दादी माँ हम बच्चों के फ्यूचर को लेकर जल्दी परेशान हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भी परवाह रहती है कि हम बच्चे क्या चाहते हैं। जब मैं उनकी या मेरी माँ या बाकी के घर वालों के पसंद की किसी भी लड़की से मिलना नहीं चाहता था तो दादी माँ ने उन लड़कियों से मिलने के लिए मुझे फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने पसंद की लड़की खुद से ढूंढ सकूं। बात बस इतनी सी थी कि कहते कहते निखिल ने अपने बट चेक्स पर अपने हाथ रखे। मुझे कोई लड़की मिल नहीं रही थी और इस वजह से गुस्सा होकर दादी माँ मुझ पर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करती और मार मार के मेरा सोफा सजा देती थी। कृतिका निखिल के इस एक्सप्लेनेशन से सकपका गई। बट चेक्स, सोफा, ऐसे शब्द कहाँ से सीख लिए उसके पति ने। कृतिका को निखिल से थोड़ी सिंपैथी सी होने लगी, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आई।
उसने प्यार से निखिल के कंधे को थपथपाया और कहा, तब तुम्हें बैठने में बहुत तकलीफ होती होगी ना। निखिल ने तुरंत कृतिका की कमर पर चिकोटी काटी। उड़ा लो मेरा मजाक, अगर तब मैं वो तकलीफ नहीं सहता ना तो आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती। तुम्हें क्या पता किसी के सोफे पर जब छड़ी मारी जाती है तो उसका सोफा दर्द करने से ज्यादा लहरने लगता है। निखिल के दर्दनाक दिन तब खत्म हुए जब कृतिका उसकी जिंदगी में आई। उनकी पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी बनने लगी। उनके रिश्ते में कोई उतार या चढ़ाव नहीं आया। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हुए शांति से अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। तुमसे मिलने के पहले मुझे काफी दर्द सहना पड़ा है, शायद इसी वजह से हमारे प्यार में कोई तकरार नहीं और हमारा रिश्ता काफी मजबूत है, निखिल थोड़ा घमंड दिखाते हुए बोला। दरअसल 25 की उम्र में आने के बाद वो पूरे 5 साल लगातार उर्मिला देवी से हर रोज मार खाता रहा था। उर्मिला देवी हर दिन अपनी छड़ी से उसकी सिकाई कर ही देती थी। 5 साल उर्मिला देवी से मार खाने के बाद कृतिका उसकी जिंदगी में आई। कृतिका और उसके रिश्ते में कभी कोई गलतफहमी अपनी जगह नहीं बना पाई। वे दोनों एक दूसरे पर ब्लाइंड फेथ करते थे। निखिल को गर्व से अपना सीना चौड़ा करते देख कृतिका थोड़ा हैरान हो गई। निखिल ने ऐसा क्या कहा कि वो खुद पर प्राउड फील करने लगा। इस दौरान रमा ने उर्मिला देवी से कहा, आपको लगता है कि अमितेश आपकी बनाई लिस्ट में मौजूद किसी लड़की को पसंद करेगा? आजकल जैसा उसका मिजाज है उसे देख मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानने वाला है। मुझे तो डर है कि जिन लड़कियों को आपने उसके लिए पसंद किया है वो सब अमितेश की बेरुखी से उससे नफरत ना करने लग जाएं। अब वो कोई जवान लड़का नहीं रहा, ऊपर से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हर वक्त ऐसे होते हैं कि कोई लड़की उसे एक नजर देखने भर से उससे डरने लग जाती है। मेरे बेटे को तो शायद ये तक नहीं पता कि किसी लड़की को कैसे अपनी बातों से खुश किया जाता है। ऐसे में कोई प्यारी और अच्छी लड़की उसे कैसे पसंद करेगी? कृतिका ये सुन अमितेश के लिए बुरा फील करने लगी। उसने मन ही मन अमितेश से कहा, बड़े भैया आपने नोटिस किया कि रमा आंटी आपको लेकर कैसी बातें कर रही हैं? लड़कियों के मामले में वो तो आपको एकदम अकड़ू और लल्लू बता रही हैं। इसके बाद रमा ने आगे कहा, दुनिया में अच्छे और क्यूट लड़कों की भी कमी नहीं। फिर जिन लड़कियों को आपने पसंद किया है माँ, क्या उनमें से कोई भी मेरे अकड़ू बेटे को पसंद करेगी? कृतिका के अंदर अमितेश को लेकर अब ये बुरी बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि रमा अमितेश के बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो सभी बातें अमितेश को वर्थलेस साबित कर रही थी। अमितेश ओबेरॉय परिवार का सबसे बड़ा लड़का था, वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन का डिप्टी CEO था। फिर रमा ने कहा, अमितेश 33 का है और 34 का होने वाला है। वो ओल्ड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो अपने उम्र के उस दौर में है जहां वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकता है। रमा की बातें ऐसी थीं जैसे अमितेश फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। उर्मिला देवी ने भी तुरंत रमा की हाँ में हाँ मिलाई। तुम सही कह रही हो, उस नालायक को अब और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कृतिका बुरी तरह हैरान हो गई। फिर उसने निखिल से धीमी आवाज में कहा, क्या बड़े भैया को पता है कि दादी माँ और रमा आंटी उनके बारे में क्या सोचने लगी हैं? निखिल ने सीरियस टोन में कृतिका को जवाब दिया, पहले मेरे बारे में भी दादी माँ और मेरी माँ ऐसा ही सोचती थी। हमारे घर के बड़ों को हमेशा से इस बात का एहसास रहा है कि हम बच्चे किसी को अपनी जिंदगी में लाने में काफी समय लेते हैं। निखिल के जवाब को सुन कृतिका खिलखिलाकर हंसना चाहती थी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी हंसी को काबू में रखा। फिर कृतिका वापस से रमा और उर्मिला देवी की बात सुनने में बिजी हो गई। अब उसे उन दोनों सास बहू की बातें मजेदार लगने लगी थी। जागृति भी वहां आया हुआ था।
वो लगातार निखिल और कृतिका पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। जब निखिल ने ये बात नोटिस की तो उसने जागृति से सवाल किया, कितना घूरोगे? ज्यादा मत घूरो वरना आंखों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। दर्द तो वैसे भी हो रहा है भैया, वो भी आप दोनों के लिए, जागृति ने कहा। आप दोनों से उसका मतलब निखिल और अमितेश था। निखिल को लेकर दर्द इसलिए क्योंकि कभी वो उर्मिला देवी से बहुत पिटता था, और अमितेश के लिए इसलिए क्योंकि शायद अब अमितेश भी निखिल की ही तरह उर्मिला देवी से रोज पिटाई खाने वाला है। कृतिका कंफ्यूज होकर जागृति को देखने लगी। तब जागृति ने कृतिका और निखिल के बगल में बैठे अमितेश की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की। अपनी बातों में शायद आप दोनों किसी को भूल रहे हो। कृतिका ने पलटकर देखा तो उसे अमितेश उसके नजदीक ही बैठा दिखाई दिया। निखिल से बात करते हुए वो लड़की ये तो भूल ही गई थी कि अमितेश उसी के बगल में बैठा हुआ है। उर्मिला देवी और रमा दोनों ही आपस में अमितेश की ही बात कर रहे थे। अमितेश उनकी बातों को सुन भी रहा था लेकिन वो उनके बीच में कुछ कह नहीं रहा था। उसने वहां आकर सोफे पर बैठने के बाद अपना आईपैड थामा और उसी में खोया रहा, मानो वो कोई काम कर रहा हो। सच में वो लड़का वर्कोहोलिक ही था। रमा और उर्मिला देवी अमितेश के बारे में बात भी ऐसे कर रहे थे जैसे वो वहां है ही नहीं। इसलिए कृतिका भी ये भूल गई थी कि अमितेश वहीं मौजूद है। ये दोनों सास बहू भी ना, उन दोनों को आदत हो गई थी अमितेश को लेकर ऐसे बात करने की। आखिर वो काफी वक्त तक उनसे दूर यूरोप में जो रहा था, इस वजह से अमितेश के उनके सामने मौजूद होने के बाद भी वे ये भूल गए थे कि वो वही है ना कि यूरोप में। इसी वजह से अमितेश के सामने ही अमितेश की बुराई करने में भी उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, ना वो ऐसा करने से डर रहे थे। जब जागृति ने कहा कि शायद आप दोनों किसी को भूल रहे हैं तो उर्मिला देवी और रमा को लगा कि वो लड़का उन दोनों से ही बात कर रहा है। उसकी बात सुनते ही उन्हें भी याद आया कि अमितेश तो उनके पास ही मौजूद है। वे दोनों एकदम से चुप हो गए। इससे ये बात साफ थी कि वो अमितेश को ये सब जानबूझकर सुनाने के लिए नहीं कर रहे थे। हालांकि वो दोनों ही अमितेश के गार्जियन थे, वे दोनों उससे बड़े थे, लेकिन जैसे ही अमितेश की बुराई करने के बाद उनकी नजर अमितेश पर गई, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अमितेश का चेहरा फिलहाल किसी पत्थर की तरह सख्त दिखाई दे रहा था। कृतिका भी अमितेश के एक्सप्रेशंस को देख डर गई। वो चुपचाप निखिल के पीछे चली गई। कृतिका को ऐसे डरते देख निखिल मन ही मन खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसने कृतिका को उसकी कमर से थाम लिया। उसके ऐसा करते ही कृतिका का डर उससे दूर चला गया। तब अमितेश ने कृतिका से कहा, मैं ओल्ड हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मैं वर्कोहोलिक हूँ और अकड़ू हूँ, मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। ये सारी बातें तुमने तो नहीं कही ना, फिर तुम मुझसे क्यों डर रही हो? अरे हाँ, कृतिका ने मन ही मन सोचा, उसने तो ये सब कहा ही नहीं। फिर वो उर्मिला देवी और रमा की तरफ पलट गई। रमा और उर्मिला देवी अमितेश की वो बातें सुन सक पका गई। अब अमितेश ने उन दोनों की तरफ देखा। उर्मिला देवी ने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो मुझ तक को अपनी अकड़ दिखाने लगा है। फिर उर्मिला देवी ने अपना फोन अमितेश की तरफ बढ़ाया। इनमें कुछ पिक्स हैं, उन पिक्स में मौजूद दो लड़कियां मुझे पसंद हैं। देखो शायद तुम्हें भी उनमें से कोई पसंद आ जाए। उर्मिला देवी की बात सुन अमितेश ने पहले अपने आईपैड को देखा, फिर उर्मिला देवी के फोन को, और फिर वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो लड़कियों की तस्वीर देखे या फिर अपना काम करे? एक पल के लिए सोचने के बाद अमितेश ने कहा, फिलहाल ये जरूरी नहीं, मेरे डिवोर्स को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और फिलहाल मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपने पिछले रिश्ते को लेकर अभी भी तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स बाकी हैं, उर्मिला देवी चिढ़ते हुए बोली। अमितेश भौंचक रह गया। फिर उसने उर्मिला देवी के हाथ से फोन लेकर उन लड़कियों की तस्वीर को देखा जिसे देखने के लिए उर्मिला देवी उसे कह रही थी। फिर उसने उनसे कहा, ये दोनों मेरे टाइप की नहीं है,
तो ये बताओ कि तुम्हारी टाइप क्या है? उर्मिला देवी ने तुरंत ही अमितेश से अगला सवाल कर दिया, ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइप की लड़की ढूंढ सकूं। तब रमा ने कहा, तुम हमेशा तो अपने काम में बिजी रहते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम ही कहाँ कि तुम किसी लड़की से मिलने या उसे जानने में अपना वक्त दे पाओ। इसीलिए तुम्हारी शादी के लिए हम खुद से एक लड़की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम निखिल की शादी को लेकर परेशान थे तो उसने कहा था कि वो अपने लिए खुद से कोई लड़की ढूंढ लेगा, और हमने उसकी बात पर भरोसा भी कर लिया था, क्योंकि वो लड़का तुम्हारी तरह वर्कोहोलिक नहीं है। वो भी हमेशा काम में बिजी रहता है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए और अपने पर्सनल लाइफ के लिए वक्त निकालना जानता है। अपनी माँ और दादी माँ दोनों की बातों से अमितेश ये समझ गया था कि आज वे दोनों उसे अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। फाइनली उसने उन दो तस्वीरों को ध्यान से देखा और फिर उसने उन तस्वीरों से अपनी नजरें फेर ली। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन तस्वीरों को देख उसकी आंखें दर्द करने लगी हैं। उर्मिला देवी उसके रिएक्शन को देख हैरान हो गई। उसके बड़े पोते के दिमाग में कोई स्क्रू ढीला था क्या? रमा भी अमितेश के रिएक्शन से हैरान थी। उसके बेटे को हो क्या गया है? मुझे इनके जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। तब उर्मिला देवी ने उसके हाथ से अपना फोन वापस ले लिया और फिर वो उन दो तस्वीरों को गौर से देखने लगी। उन्हें उन लड़कियों में कोई खामी नजर नहीं आई। इन तस्वीरों को देखकर ही तुम्हें ये पता चल गया कि लड़कियां कैसी हैं? उर्मिला देवी ने शक भरी निगाह से अमितेश को देखा। अब वो ये सोच रही थी कि अमितेश उन तस्वीरों को सच में देख रहा था या फिर बस देखने का दिखावा कर रहा था। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद तुम इन दो लड़कियों के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? इन दोनों की पर्सनालिटी तो तुम्हें इन तस्वीरों से पता नहीं चल सकती है। तब जागृति उनके बीच में बोल पड़ा, दादी माँ, ये लड़कियां बस इन तस्वीरों में ही अच्छी लग रही हैं। सच मानिए, जब आप इन्हें सामने से देखिएगा ना, तो आपको ये जरा भी पसंद नहीं आएंगी। अब के टाइम में लड़कियां अपनी फोटो अच्छे से एडिट किए बिना तो किसी को नहीं देती। यही बात अमितेश भैया ने नोटिस कर ली होगी। वैसे आप ये बात कृतिका भाभी से पूछ सकती हैं। तुझसे किसी ने तेरी राय मांगी? चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे। उर्मिला देवी ने तुरंत जागृति को फटकार लगाई। उस लड़के ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। वो जैसे तैसे अमितेश को फिर से शादी कर लेने के लिए मनाने में लगी हुई थी और जागृति उनकी मेहनत पर पानी फेर देने वाला काम कर रहा था। खैर, जागृति को डांटने के बाद भी उर्मिला देवी कृतिका की ओर पलट गई। कृतिका बेचारी घबरा गई। जागृति ने उसे इतने सीरियस मैटर में क्यों फंसा दिया? अगर वो जागृति की हाँ में हाँ मिलाती तो शादी करने के लिए अमितेश को मनाने का उर्मिला देवी का प्लान फेल हो जाता। अगर वो जागृति की बात पर हामी नहीं भरती तो जागृति और अमितेश दोनों उससे गुस्सा हो जाते। अमितेश के गुस्सैल चेहरे को देखकर तो कृतिका की सांस वैसे भी अटकी हुई थी। तब निखिल ने कृतिका को हक कर लिया। मुझे दूसरी लड़कियों का पता नहीं, लेकिन मेरी कृतिका की फोटोज कभी एडिटेड नहीं रहती हैं। वो एक नेचुरल ब्यूटी है। जागृति भौंचक्का रह गया। क्या भैया, ऐसे मौके पर भी आप भाभी पर अपना प्यार लुटा रहे हो? भाइयों की तो इज्जत ही नहीं है ना आपके मन में? जागृति ने तुरंत निखिल से उसी की शिकायत की। बड़े भैया, देखो कैसे निखिल भैया और भाभी एक दूसरे को लेकर सबके सामने अपने प्यार को शो ऑफ कर रहे हैं। कैसे दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा है। आप दोनों बाहर जाओ, हम सबके सामने ये सब करने की जरूरत नहीं आप दोनों को। जागृति ने इस बार निखिल के साथ साथ कृतिका की भी शिकायत की और उन दोनों को मजाक चखाने के लिए अपने भाई को भी अपनी तरफ करना चाहा। अमितेश ने निखिल को गौर से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता उर्मिला देवी ने उसे टोक लगा दी। एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों शादी छोड़ बस एक गर्लफ्रेंड बना लो। जब ऐसा होगा तो तुम दोनों भी अपने प्यार का प्रदर्शन यहाँ हमारे घर पर कर सकते हो। मैं तब तुम दोनों को जरूर सपोर्ट करूंगी। बेचारा अमितेश, उसने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, फिर भी उसे अपनी दादी माँ की डांट सुननी पड़ रही थी। अमितेश ने गुस्से से जागृति को घूरा। उस गधे ने क्यों अपनी बातों में उसे घसीटने की कोशिश की?
अमितेश की गुस्सैल नजरों को अपनी ओर देख जागृति की तो हालत ही खराब हो गई। बात को मत बदलो, उर्मिला देवी ने जागृति को डांट लगाई। वो बार बार अमितेश से जुड़े टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। उर्मिला देवी ने अपना फोन रमा को थमा दिया। जरा देखो तो इन दोनों तस्वीरों को, क्या तुम्हें इन दोनों लड़कियों में कोई कमी नजर आ रही है? रमा तुरंत उन तस्वीरों को बारी बारी से देर तक देखती रही। उसे उनमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया। फिर ना में अपने सिर को हिलाते हुए उसने कहा, नहीं तो मुझे तो दोनों लड़कियां काफी अच्छी लग रही हैं। तब उर्मिला देवी ने एक बार फिर से अमितेश से सवाल किया, आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या देख लिया तुमने जो ये दोनों ही तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे इनका लुक पसंद नहीं आया, अमितेश ने कहा। मुझे तो इनका चेहरा तक याद नहीं, फिर मुझे इनमें से कोई पसंद क्यों आएगी? अमितेश को लेकर उर्मिला देवी का गुस्सा अब अपनी हद पार कर चुका था। उनका मन उस लड़के को बुरी तरह पीटने का कर रहा था। तुमने बस एक बार इन तस्वीरों को देखा, वो भी बेमन से, फिर तुम्हें इनमें से किसी का भी चेहरा कैसे याद रहेगा? अमितेश के चेहरे पर घमंड वाले एक्सप्रेशन आ गए। दादी माँ, मेरा आईक्यू लेवल 170 है, मैं कैसे किसी का चेहरा याद नहीं रख पाऊंगा? फिर अमितेश ने उर्मिला देवी के फोन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की। उन दोनों लड़कियों के चेहरे लगभग एक जैसे ही हैं, ऐसे चेहरे जो किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिलते जुलते हैं और जो ट्रेंड में है। वी शेप्ड यूरोपियन आईज, स्ट्रेट आईब्रोज, उन्हें देखकर आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कौन एक्चुअल में कौन है। जागृति अमितेश के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर हैरान हो गया। क्या बात है भैया, लड़कियों को लेकर आपकी जानकारी तो बड़ी शानदार है। यूरोपियन आईज, स्ट्रेट आईब्रोज, वी शेप्ड, अपने अकड़ू पर्सनैलिटी के पीछे और कौन कौन से राज छिपा रखे हैं आपने? अमितेश एकदम से सकपका गया। आपका भाई आपसे छोटा हो, काफी ज्यादा छोटा, तो वो हमेशा आपको मुश्किल में ही डालने का काम करता है। ऐसे में अगर आपका मन उसकी पिटाई करने का हो तो आप क्या करेंगे? हमारी कंपनी के अंडर कई एक्ट्रेसेस काम करती हैं। कंपनी में हर दिन किसी न किसी से तो मेरा आमना सामना हो ही जाता है, फिर ये सारी जानकारी मेरे पास कैसे नहीं होगी? अमितेश ने चिढ़ते हुए जागृति को घूरा। अमितेश की बातों को सुनने के बाद उर्मिला देवी ने एक बार फिर से उन दोनों लड़कियों की तस्वीरों को देखा जो उन्हें पसंद थी। सच में उन दोनों लड़कियों के आईब्रोज और फेशियल फीचर्स बिल्कुल एक जैसे थे। उर्मिला देवी हैरान हो गई। तो तुम लड़कियों के पूरे चेहरे को ना देखकर बस उनके फेशियल फीचर्स को देखते हो? उर्मिला देवी ने सवाल किया। वैसे मुझे और क्या देखना चाहिए दादी माँ? अमितेश ने सवाल किया। उर्मिला देवी का आखिरी सवाल उसे काफी अजीब लगा था। उर्मिला देवी अपने सवाल से खुद ही शर्मिंदा थी। चलो कोई नहीं, मान लिया कि उन्होंने ये सवाल कभी अमितेश से पूछा ही नहीं था। कुछ पल पहले अमितेश ने खुद को लेकर जो आईक्यू वाली बात कही थी वो गलत नहीं थी। जिस किसी को भी या किसी चीज को वो देख लेता वो उसे भूलता नहीं था। अच्छा तो ये बताओ कि क्या तुम्हें अपनी एक्स वाइफ का चेहरा या उसके लुक्स याद हैं? पता नहीं पर क्यों उर्मिला देवी को लगा कि उसे उससे वो सवाल करना चाहिए था। अमितेश अजीब ढंग से उर्मिला देवी को देखने लगा। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से उर्मिला देवी समझ गई कि अमितेश को दृष्टि का चेहरा तक अब याद नहीं था। रमा ने सोचा नहीं था कि उसका बेटा किसी को इतनी जल्दी भुला सकता है। कहीं तुम्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो नहीं? अमितेश स्पीचलेस हो गया। माँ ये कैसा सवाल है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मुझे ये बताओ कि अब तक की अपनी लाइफ में तुम जितनी भी लड़कियों से मिले हो उनमें से किस किस का चेहरा तुम्हें याद है? रमा ने सवाल किया। अमितेश सोच में पड़ गया। जब उसने याद करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसे तो किसी भी लड़की का चेहरा याद नहीं।
उसे आदमियों के चेहरे याद थे, खास करके उनके जो उसके बिजनेस एसोसिएट्स थे और जो उसके दोस्त थे। रही बात लड़कियों की, तो वो उन्हें ढंग से कभी देखता ही नहीं था। किसी भी लड़की का चेहरा याद ना आने पर अमितेश ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करते ही उसके मन में एक चेहरा उभर आया, वो चेहरा जो उसे देख किसी खरगोश की तरह डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके सामने वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उससे जरा भी डर नहीं रही है। अमितेश को ये बात बड़ी ही अजीब लगी। वो तो उससे बस दो बार ही मिला था, और वो भी ऐसे माहौल में कि उसे उसका चेहरा याद रहना ही नहीं चाहिए था। अमितेश ने सोचा नहीं था कि उसे वो यंग लड़की अभी तक याद होगी। उसे तो उसका नाम भी याद था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निवेदिता थी, वो लड़की जिसने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट थी। किसी भी फील्ड में सबसे बेस्ट होना कोई आसान काम नहीं था। अमितेश ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट भी उभर आई, लेकिन फिर उसने अपनी मुस्कुराहट को अपने अकड़ू नेचर के पीछे छिपा लिया। वो खुद को घमंडी और अकड़ू ही दिखाना पसंद करता था। अमितेश के चेहरे पर आई वो मुस्कुराहट उर्मिला देवी और रमा दोनों ही मिस कर गए। जब उनकी नजर उसके चेहरे पर गई, तब तक अमितेश का अकड़ू चेहरा पहले से भी ज्यादा अकड़ू हो चुका था। तब उर्मिला देवी ने अमितेश से कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें वैसी लड़की नहीं चाहिए जो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखती है। ठीक है, मैं ये बात ध्यान में रखूंगी। अमितेश परेशान हो उठा। दादी माँ, मैं फिलहाल शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे डिवोर्स को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं फिर से शादी जरूर करूंगा, लेकिन इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ठीक है, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें एक उम्मीद देनी होगी। तुम्हारे रवैये से ऐसा लगता है जैसे तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढना ही नहीं चाहते हो। कम से कम तुम्हें किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश तो शुरू करनी ही होगी, उर्मिला देवी आगे कहती रही। निखिल की बात करूं तो भले ही वो कृतिका को अपने 30s में जाकर ढूंढ पाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में एक्टिव रहता था। तब बस उसे ऐसी लड़की मिल नहीं रही थी जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर बना सके। निखिल का जिक्र उर्मिला देवी ऐसे कर रही थी जैसे वो उसके लिए कोई रोल मॉडल हो। ये बात नोटिस करते ही निखिल की छाती चौड़ी हो गई। उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई हो गया। ये देख अमितेश झुंझला उठा। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में जरा भी एक्टिव नहीं हो। तुम तो हमारी पसंद की किसी लड़की से मिलना भी नहीं चाहते। कम से कम उनके साथ डेट पर तो जाओ। ये सब सुनने के बाद अमितेश कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, दादी माँ, क्यों ना आप मुझे थोड़ा और वक्त दे दें। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? उर्मिला देवी अमितेश पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा, कुछ अंदाजा तो लगाया होगा ना तुमने कि कितने वक्त में तुम अपने लिए एक प्यारी सी लड़की को ढूंढ लोगे। कुछ पल के लिए सोचने के बाद अमितेश ने कहा, अभी मैं 33 का हूँ, कुछ भी हो जाए मैं 40 की उम्र में जाने से पहले तो शादी कर ही लूंगा। 40 साल? मतलब तुम्हें पूरे 7 साल चाहिए? ऐसे तो जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, पता नहीं होंगे भी या नहीं, तब तक तो तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो चुका होगा। उर्मिला देवी ये कहते हुए बुरी तरह चिढ़ रही थी। मैं तुम्हें 5 साल से ज्यादा का समय नहीं दूंगी। 2 साल अपनी आजादी को एंजॉय करने के लिए और 3 साल अपने लिए एक लड़की ढूंढ उससे शादी करने के लिए। इतने में तो तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ही लोगे ना। अमितेश सोच में पड़ गया। सच कहूं तो जितना वक्त मैंने तुझे दिया है उतने में तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाने चाहिए। पर तू नालायक, लड़की ढूंढने में तेजी दिखाए तब ना। उर्मिला देवी ने फिर से अमितेश को फटकारा। बेचारे अमितेश का मुंह लटक सा गया। ठीक इसी पल में निखिल का फोन रिंग करने लगा। उसे अनुपम ने कॉल किया था। जरूर ये कोई वर्क रिलेटेड कॉल होगा, इसलिए निखिल अपने फोन को लेकर हॉल से बाहर आ गया। कुछ पल के लिए अनुपम की बात सुनने के बाद निखिल ने कहा,
एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे कॉल को स्पीकर पर डालता हूँ। कृतिका भी मेरे साथ ही है, वो भी तुम्हारी बातों को सुन सकती है। निखिल हॉल से ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए जब निखिल ने कृतिका का नाम लिया तो उसकी नजर अपने आप निखिल की ओर चली गई। निखिल वापस से कृतिका के ही पास हॉल में आ रहा था। कृतिका को लगा कि जरूर कुछ हुआ है। इंटरनेट पर आए दिन हमेशा लोग उसे लेकर कोई न कोई बखेड़ा शुरू करते रहते थे। निखिल ने मुस्कुराते हुए अपना फोन कॉफी टेबल पर रख दिया। अरे कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अनुपम ने मुझे काम से जुड़ी एक बात बताने के लिए कॉल किया है। एक असिस्टेंट के नाते अनुपम जानता था कि निखिल आज अपने दादा दादी से मिलने के लिए उनके मेंशन आया हुआ है, इसलिए जैसे ही निखिल ने अपने फोन को स्पीकर पर डाला, अनुपम ने सबसे पहले घर के सभी बड़ों का अभिवादन किया। फिर वो मुद्दे की बात पर आ गया। बात यह है कि हमारी कंपनी ने मैक्सो के चैनल के न्यू शो सर्वाइवर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये एक बड़े पैमाने पर बनाया गया आउटडोर रियलिटी शो है। फिलहाल इस शो के बारे में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि इसमें रोटेशन मेथड को यूज किया जाएगा। शो में टोटल 12 कंटेस्टेंट्स होंगे। हर सप्ताह 6 कंटेस्टेंट स्विच किए जाएंगे और सप्ताह भर के रिजल्ट के अनुसार उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। शो के 6 कंटेस्टेंट परमानेंट होंगे और 6 हर सप्ताह रिप्लेस किए जाते रहेंगे। हर सप्ताह 6 कंटेस्टेंट को एक अलग माहौल में लॉक कर दिया जाएगा, जहां अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वे उस लॉक्ड लेवल से बाहर निकलेंगे। हर सप्ताह लॉक्ड लेवल की थीम अलग होगी, कभी एस्केप रूम तो कभी रेगिस्तान, कभी जंगल तो कभी कुछ और। अनुपम उस शो को एक्सप्लेन करता रहा। शो की प्रोडक्शन टीम परमानेंट कंटेस्टेंट के नाम को तय कर चुकी है और उन्हें इनवाइट करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शो अपने आप में काफी अलग है, इसलिए ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने शो में 70% की इन्वेस्टमेंट की है। इस शो की स्पॉन्सरशिप भी ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने ले रखी है, जिसकी फीस शो में हमारे इन्वेस्टमेंट के 70% में शामिल है। कृतिका ये सब सुनते हुए हैरान थी। मैक्सो के चैनल एक बिग बजट के शो को अकेले प्रोड्यूस कर सकने के काबिल थे, लेकिन सर्वाइवर की स्पॉन्सरशिप के लिए उन्होंने ओबेरॉय कॉरपोरेशन से कॉन्टैक्ट किया। ओबेरॉय कॉरपोरेशन कभी किसी छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। कृतिका तुरंत समझ गई कि सर्वाइवर सच में काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। शो यूनिक है और इसका स्केल भी काफी बड़ा है, इसलिए मैक्स ओके चैनल ने हमसे शो की स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट किया। वो चाहते थे कि हम उनके शो को प्रोड्यूस करें ताकि वो अपने शो में किसी भी तरह की कमी ना होने दें। निखिल ने कृतिका को एक्सप्लेन किया। शो का डायरेक्टर कौन है? कृतिका ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया। मैक्स ओके चैनल से कृतिका बस एक डायरेक्टर को जानती थी, वो था अर्देश। कृतिका के सवाल को सुन निखिल मुस्कुरा उठा, फिर उसने कहा, अर्देश। ये सुन कृतिका खुश हो गई। आखिरी बार जब अर्देश ने विशाल की जगह उसे अपने शो में बुलाए जाने पर तवज्जो दी थी, तभी से कृतिका को ये समझ आ गया था कि कुछ अच्छा करने के लिए अर्देश रिस्क लेने से घबराता नहीं। फिलहाल सर्वाइवर जैसे बिग बजट के शो को क्रिएट करके भी वो एक बड़ा रिस्क ही ले रहा था, क्योंकि ऐसे शोज दर्शकों को पसंद आएंगे या नहीं, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता था। क्योंकि इस शो की वैल्यू मैक्सो के चैनल के लिए काफी ज्यादा है, इसलिए वो शो में इंडस्ट्री से जुड़े वैसे लोगों को शामिल करना चाहते हैं, जिन्हें जानने को लेकर ऑडियंस भी एक्साइटेड रहती है। वे अलग अलग फील्ड के लोगों को भी इस शो में लाने वाले हैं। वैसे लोग जो अपने अपने फील्ड में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने कम नजर आते हैं, अनुपम ने कहा। उसकी इस बात के साथ कृतिका को अंदाजा हो गया कि अनुपम ने आज संडे के दिन भी निखिल को क्यों कॉल किया था। तब अनुपम ने आगे कहा, इसलिए मैक्स ओके चैनल की ओबेरॉय कॉरपोरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि वो कंपनी के सीईओ या डेप्यूटी सीईओ में से किसी एक को उनके शो में शामिल होने के लिए भेजें।
इसके बाद अनुपम ने बाकी के मेन कंटेस्टेंट्स के बारे में भी सभी को इन्फॉर्मेशन दी। उसकी बातें सुन कृतिका समझ गई कि मैक्स ओके चैनल अपने शो सर्वाइवर में पॉपुलर से पॉपुलर कंटेस्टेंट्स को शामिल करना चाहता है। प्रेजेंट टाइम में रियलिटी शोज में किसी सेलिब्रिटी को देखना ऑडियंस को उतना पसंद नहीं था, और अगर आप किसी रैंडम प्लेस से भी किसी आदमी, इंसान या एवरेज पॉपुलर बंदे को अपने शो में ले आते हैं और अगर उसे दूसरे सेलिब्रिटी से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है तो उस सेलिब्रिटी के फैंस इस बात का विरोध कर शो को देखना ही बंद कर देते हैं। मतलब रियलिटी शो में आपकी नैया ना तो कोई सेलिब्रिटी पार लगा सकता है और ना ही कोई नॉर्मल इंसान। ऐसे में इस रियलिटी शो को अपने शो में पार्ट लेने के लिए ऐसे कंटेस्टेंट की जरूरत पड़ती थी जो कि एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ अपने फील्ड में सबसे बेस्ट हो, चाहे वो फील्ड एक्टिंग हो, डायरेक्शन, गेमिंग, यूट्यूबर, चाहे कोई भी फील्ड। उन सभी को अपनी अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट होना जरूरी था, और निखिल और अमितेश को इसलिए टीवी शो सर्वाइवर में इनवाइट किया जा रहा था क्योंकि वे दोनों ही अपनी फील्ड में बेस्ट थे और काफी ज्यादा पॉपुलर भी, और दो ऐसे लोग जिनके बारे में जानने के लिए ऑडियंस काफी बेताब रहने वाली थी। उन दोनों के ही ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या किसी टॉप लेवल के एक्टर से कम नहीं थी। इसके अलावा वे दोनों दिखने में भी काफी हैंडसम थे, इतने की लड़कियां उनकी दीवानी थी। शुरू में अमितेश यूरोप में रहा करता था इसलिए इंडिया में कम ही लोग उसे जानते थे। ऊपर से अपने वर्कोहोलिक नेचर की वजह से वो ट्विटर या इंस्टा जैसी जगह पर कुछ पोस्ट करना अपने वक्त की बर्बादी करना समझता था, इसलिए इंडिया में निखिल काफी ज्यादा फेमस था। निखिल की शादी के बाद लड़कियां जो उसकी फॉलोअर्स थीं और जो उसकी शादी के पहले उस पर अपनी जान देती थीं, उन सबका दिल टूट गया। तभी अमितेश ने इंडिया आने के बाद इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी पहली अपीयरेंस दी। इसके बाद निखिल की सभी फीमेल फैंस अमितेश की दीवानी हो गईं। उन सभी को अमितेश के लुक्स निखिल से भी ज्यादा अच्छे लगने लगे। चूंकि अमितेश की वाइफ ने उसे धोखा दिया था और वो उससे तलाक ले चुका था, यहाँ तक कि अमितेश का बच्चा भी उसका अपना बच्चा नहीं था। ये सब जानने के बाद उन लड़कियों के दिल में अमितेश के लिए सहानुभूति वाली फीलिंग भी आ गई। इस तरह से अमितेश की फैन फॉलोइंग किसी रॉकेट की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। लड़कियां उसके प्यार में पागल होने लगी, यानी कि जितना पॉपुलर फिलहाल निखिल इंडिया में था उतनी ही पॉपुलैरिटी अमितेश भी हासिल कर चुका था। मैक्स ओके चैनल की नजर से ये बात छिपी नहीं थी, इसलिए वे चाहते थे कि निखिल या अमितेश दोनों में से कोई एक तो कम से कम उनके शो में जरूर पार्टिसिपेट करे। निखिल भी ये बात समझ गया था। उसने कहा, मेरे ख्याल से हम दोनों भाइयों में से किसी एक का इस शो में पार्ट लेना अच्छा रहेगा। इस शो में ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने पानी की तरह पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए चाहे जो भी हो हम इसे फ्लॉप तो होने नहीं दे सकते हैं। अगर ये शो फ्लॉप हुआ तो इससे ओबेरॉय कॉरपोरेशन की साख पर सवाल उठने लगेंगे। पैसों का जो लॉस हमारी कंपनी को होगा वो तो जल्द ही कंपनी के किसी दूसरे सक्सेसफुल वेंचर से उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन एक फ्लॉप शो को प्रोड्यूस करने से कंपनी की रेपुटेशन पर जो दाग लगेगा उसे मिटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा गर्व करते हुए कहूं तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन आज तक अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट में फेल नहीं हुई है। ऐसे में अगर हमारा इन्वेस्ट किया हुआ कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इंडस्ट्री वाले हमारा मजाक बनाएंगे, निखिल ने आगे कहा। इसके अलावा हम इस शो में 70% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बात शो को लाइमलाइट में ले आई है। अब सभी की नजरें इस शो पर टिकी हुई हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स यही चाहेंगे कि सर्वाइवर फ्लॉप हो जाए, और वे अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे शो को वो टक्कर दे सकें और उसे फ्लॉप करवा सकें। ऐसे में अगर अमितेश भैया या मैं दोनों में से कोई एक
इस शो से पर्सनली जुड़ जाते हैं, तो शो को फ्लॉप करने की जो भी प्लानिंग हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे होंगे, शो में हमारी प्रेजेंस को देख हमसे डर कर वे उस पर अमल नहीं करेंगे। हम में से किसी एक के शो में होने से शो की व्यूअरशिप भी गारंटीड काफी अच्छी रहेगी। मैक्स ओके चैनल ने भी मुझसे बात कर यही रिक्वेस्ट की है कि मैं किसी तरह आप दोनों में से किसी एक को शो में पार्ट लेने के लिए राजी कर लूं। अनुपम ने कहा, अगर आप दोनों में से कोई एक शो में पार्ट लेने के लिए राजी होता है तो शो के पहले सप्ताह में आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। ये तो एक अच्छा मौका है ओबेरॉय कॉरपोरेशन को एडवर्टाइज करने का। उर्मिला देवी ने अनुपम की बात पर हामी भरी। हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओबेरॉय कॉरपोरेशन सबसे टॉप पर थी, लेकिन निखिल को कभी भी इस बात का गुरूर नहीं रहा। उसने ये बात कभी भी नहीं सोची कि ओबेरॉय कॉरपोरेशन को आगे इम्प्रूवमेंट की और कोई जरूरत नहीं। निखिल की इस सोच की वजह से ही ओबेरॉय कॉरपोरेशन इंडस्ट्री में अपने टॉप की पोजीशन को अभी तक संभाले हुए थी और आगे भी लगातार बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई थी।